नागपुर शहर में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत शहर के प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स की लक्ष्मी नगर शाखा में होली हुड़दंग के तहत महिलाओं के लिए हास्य व्यंग महफिल का आयोजन किया गया। रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा आयोजित इस होली हुड़दंग के हास्य व्यंग महफिल में महिलाओं ने अतरंगी रूप में खुलकर इस कार्यक्रम का भारी उत्साह के साथ आनंद लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने हास्य काव्य स्पर्धा और अतरंगी वेशभूषा जैसे विभिन्न उत्सुक और मनोरंजन खेलों में भाग लेकर अतरंगी तरीके से इस होली हुड़दंग कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया। आज मुझे रोकड़े ज्वेलर के इस बहुत ही सुंदर होली के हास्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रोकड़े समय समय पर ना सिर्फ मतलब बिजनेस सभी लोग करते हैं, बट रोकड़े का मैंने देखा है हमेशा महिलाओं के लिए एक से एक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, कभी नए साल पे, कभी संक्रांति में, और आज इसमें जो होली पे इन्होंने किया है हास्य का कार्यक्रम, तो बहुत ही सुंदर है। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में आप पॉजिटिव थाट लीजिए और हंस के जीवन बिताइए, जो हंस के जीवन बिताता है उसके दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो हास्य कार्यक्रम का इस तरह से आयोजन जो किया है वो बहुत ही सुंदर है, और कुछ जो कहते हैं ना, हम अपने थोड़ी देर के लिए दुख दर्द को भूल जाते हैं और आकर के यहाँ इनके संग इतने घुल मिल जाते हैं कि जीवन में जो तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से यहाँ पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो यहाँ महिलाएं जमा हुई हुई है, सारी महिलाएं यहाँ पर हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही है। रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा आयोजित और रुपेंद्र चटवाल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हम लोगों के लिए, सभी महिलाओं के लिए एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहा है। और यहाँ जो आयोजन हो रहा है, यह पहले भी यहाँ कई आयोजन हो चुके हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, उत्साहवर्धक होते हैं और इनसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स का हम लोग धन्यवाद कहते हैं। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, खुशियों की बहार रोकड़े ज्वेलर्स के परिसर में हम मनाएंगे हमारी सखियों के साथ। हमारी सभी प्यारी प्यारी सखियाँ हमारे इस होली के हुड़दंग में शामिल हुई है, और जैसे कि आप देख रहे हैं उनकी काव्य प्रस्तुतियाँ, उनकी काव्य व्यंग प्रस्तुतियाँ और अतरंगी वेशभूषा प्रतियोगिता, इसमें उन्होंने बहुत ही अनोखा प्रस्तुति दी है। और इन सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, हमारे इस संकल्पना को पूरा करने के लिए हमारी सभी प्रतिभागियों के साथ, हमारे सभी मेहमानों का, हमारे इस काव्य प्रस्तुति में, हमारी काव्य व्यंग प्रस्तुति में अपना योगदान देने के लिए, हमारी सखियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच मेहमान उपस्थित हुए हैं जो अपनी काव्य के क्षेत्र में अपना विशेष उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। तो मैं विशेष आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से, प्रभा जी का, सरोज जी, अमीशा जी, रेशम जी, रुपिंदर जी और हमारे सभी उपस्थित मेहमानों का, जो हमेशा ही मेरे आयोजनों को सफल बनाने में, रोकड़े ज्वेलर्स के आयोजनों को सफल बनाने में हमारा सहयोग देते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम आयशा खान एंड थैंक यू सो मच शुभांगी मैम, जो इतने अच्छे मौके पे बुलाए हैं। बहुत ही अच्छा लगा है रोकड़े ज्वेलर्स में आके। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, हमेशा देखती हूँ कि रोकड़े ज्वेलर्स में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, और इसका मुझे सौभाग्य आज मिला है खास शुभांगी मैम के वजह से। और मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हमेशा से मैं आशा करती हूँ कि मुझे ऐसा बुलाया जाए और मैं हमेशा आऊँ ऐसा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा रोकड़े ज्वेलर्स में आके। ये मेरा थर्ड टाइम है मैं जो आई हूँ रोकड़े ज्वेलर्स में। मेरा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, आयशा खान, और शुभांगिनी जी ने मुझे इनवाइट किया है रोकड़े ज्वेलर्स में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे भारतवर्ष में होली का पर्व जो है बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी हर्ष और उल्लास को मेंटेन करते हुए रोकड़े ज्वेलर ने आज अपने प्रीमिसेस में जिस तरह का एक अद्भुत कार्यक्रम कंडक्ट किया है, उसके लिए रोकड़े ज्वेलर को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।